हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम बटरफ्लाई ड्रेस देखेंगे। बहुत ही इजी है बनाने में। सभी साइज में आप ये ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने ये केप भी बनाना बताई है। आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, आप ये ड्रेस सारे साइज के लिए बना सकते हैं। ये साइज एक और दो नंबर कान्हा जी के लिए हैं। ट्वेल्व चेन लेंगे। जो फर्स्ट चेन है वहां पे हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। यहाँ पे हम कान्हा जी के गले का नाप लेंगे। आप आपके कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से कितनी भी चेन ले सकते हैं और ऐसे ही गले में डाल के आपको नाप लेना है। एक चेन लेंगे, 12 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। हमने जो एक चेन ली थी वो हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ब्लैक कलर में हमें दो ही रो बनानी है। एक चेन लेके धागा कट करेंगे। जहाँ से हमने धागा कट करा वहीं से हमें दूसरा कलर चेंज करना है। यहाँ पे हमें सारी रो हाफ डबल क्रोशेट से बनानी है। दो चेन लेंगे, बाकी के पांच चेन में हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। दो चेन काउंट करके हमारे पास छह हाफ डबल क्रोशेट आएंगी। आपने आपके कृष्णा के साइज के हिसाब से जितनी भी चेन ली होगी उसे आपको हाफ हाफ करना है। यहाँ पे छह हाफ डबल क्रोशेट हैं। दूसरी साइड में हमारे पास छह चेन बाकी है। यहाँ पे हम बाद में काम करेंगे। आप भी आपके कान्हा जी के गले का नाप लेके चेन लेंगे और उसे आधे आधे हिस्सों में बांटेंगे। दो चेन लेंगे, ये सेकेंड राउंड में हम एक चेन के ऊपर दो हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशेट आएंगी। सभी चेन में दो दो बार लेना है, 6 से 12 हो जाएंगी।
हमें लास्ट चेन में भी डालना है, उसे छोड़ना नहीं है। थर्ड रो दो चेन लेंगे, टर्न। यहाँ हम एक चेन में दो बार और नेक्स्ट चेन में एक बार ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। टोटल हमारे पास 18 हाफ डबल क्रोशेट आएंगी। फोर्थ रो में हमें दो चेन लेना है और आगे की 9 चेन में हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं और दो चेन को काउंट करके टोटल हमारे पास 10 हाफ डबल क्रोशेट आएंगी। हमारे पास 18 चेन थी, 18 में से हम 10 चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। हमारे पास 8 चेन बची है तो हम इस 8 चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमें ऐसे ही दूसरे साइड का कंप्लीट करना है। हमारे पास 12 चेन थे, 12 चेन में से 6 में हमने काम किया, हमारे पास 6 बाकी है, 6 में भी हमें ऐसे ही काम करना है। यहाँ पे हम कान्हा जी का आगे का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पे जो दो चेन है यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। हम पहली चेन से ब्लैक कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। तीन चेन लेंगे, यहाँ पे हमें डबल क्रोशेट बनाना है, एक चेन में हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। दूसरी चेन में भी हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, हमारे पास टोटल 4 डबल क्रोशेट आएंगी। तीन चेन लेंगे, टर्न। हमें इस चेन में दो बार डबल क्रोशेट बनाने हैं। शुरू की फर्स्ट चेन में हम दो बार डबल क्रोशेट बनाएंगे
और बीच की दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और जो लास्ट की चेन है उसमें हम दो बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशेट आएंगी। हमारे पास 4 डबल क्रोशेट थी, 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 6 डबल क्रोशेट बनाई। तीन चेन लेंगे, यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। हम आगे की 4 रो और कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारे पास 7 रो हैं, 7 रो में 6 डबल क्रोशेट ही बनाई। हम ऐसे ही कान्हा जी का नाप लेके देखेंगे, आप भी आपके कान्हा जी का ऐसे ही नाप लेके देखिए। आप आपके कान्हा जी के हिसाब से रो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे, डोरी बनाने के लिए हम 13 चेन लेंगे। दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही डोरी डालेंगे। इसके बाद हम कान्हा जी की कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हम मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेंगे, ये चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, ये चेन को छोड़ के हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। हमें धागे को पूरा खींच लेंगे। हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। सेकेंड राउंड में हमें एक चेन लेंगे, 6 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। सेकेंड राउंड कंप्लीट, स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ये हमारी तीसरी रो है। तीसरी रो में हम एक चेन लेंगे और सभी सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम दो दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट थी, हम सभी में दो दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। हमें एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर दो सिंगल क्रोशेट बनानी है। थर्ड रो कंप्लीट होती है,
स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फोर्थ रो में हम एक चेन लेंगे और सभी 12 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही हमें दो राउंड और बनाने हैं, 12 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट ही बनाने हैं। टोटल हमारे पास 6 रो आएंगी। यहाँ पे हम कान्हा जी के कान के ऊपर का बनाएंगे, एक चेन लेंगे। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनानी है। यहाँ हमें ये एक चेन को काउंट नहीं करना है, 3 के ऊपर 3 ही बनेगी। सेकेंड रो, यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। यहाँ पे हम एक चेन लेके धागा कट करेंगे। हमें ये केप कान्हा जी को पहना के देखनी है। आप आपके कान्हा जी के हिसाब से ये चेन बड़ा या घटा सकते हैं। आपको ऐसे ही नाप लेकर देखना है। ऐसे ही आपको बराबर चेन नाप कर दूसरी साइड में भी बनाना है। हमारी केप रेडी है। येलो कलर का ऊन हम छोटी साइज में कट करके दोनों कॉर्नर में से निकाल लेंगे। हमारी ड्रेस रेडी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।